का भाई जेल भेजब हमरा हां कबो तो बाहर आइब ना हम बाहर आके हम वापस तोरा के बर्बाद कराब और ये नफरत हमरा अंदर कबो खत्म ना होखी याक तू लगोले बड़ा ना तो एकर आज भी तोहरा के ही सह पड़ी कहे कि हमके बदलले बड़ा तो हम बदला भी तोहरा से ही ले पता बा अगर तू चाहता तो ये सब कबो ना हो ना ही हम तोरा से बदला लेती ना ही हम आलिया के साथ देती बल्कि हम ओकरा से समझौती कि जो तू कर रहल बाड़ू गलत कर रहल बाड़ू गलत रास्ता पे चल रहल बाड़ू हम जिंदगी में जेकरा पे सबसे ज्यादा भरोसा करनी ना उहे हमार भरोसा तोड़ देलस वो इंसान जेकरा पे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रहे उहे हमार साथ ना देलस का कहला दुनिया के कि दो इंसान बाड़े जेके तू सबसे ज्यादा प्यार करेला एक दादी और एक आलिया वही तरह हम भी कहनी कि दो ही इंसान बाड़े जेके हम दुनिया में सबसे ज्यादा मानी ले एक मिताली और एक तू हम तोरे के कहां रखनी और तू हमके कहां पटक देला गलती हमार नहीं जे हम जेल गईनी गलती तो हार बा गलती तो हार बा जे तू हमरा में भरोसा ना कैला हमरे में विश्वास ना कैला सच जाने के कोशिश ना कैला का सच बा का झूठ बा हम आज अगर इस सिचुएशन में बानी तो सिर्फ तोहरा और तोहर गलती की वजह से तू ये परिवार के बनावला ना तू ये परिवार के उजाड़ दे रहा राज भैया आप हरगिज ना कह सकेली इनकी वजह से परिवार उजड़ रहल बा आपकी सिर्फ इनका फैसला याद बा आपके ई ना याद बा की हमेशा सच के साथ देवे ले ही आपके वक्त भी सच के ही साथ दे ले सारा सबूत आपके खिलाफ रहे आप अपन सच के ना साबित कर पहले रहले एक के सामने ये सिर्फ सच के साथ दे ले राज भैया सच का वह होखेला जो साबित कर जाए अगर हम तोहरा के बेगुनाह साबित ना कर पौनी तो गुनहगार हो गेलू कमाल बा अरे बड़ भाई बोलत रहे हमरा के एक बार दिल पे हाथ रख के अपन आंख बंद करके हमरा पे भरोसा कैले होत ये जाने के कोशिश कैले होत कि हम गुनहगार बानी की नहीं की आज ये सिचुएशन ना बनत लेकिन आज अगर ये सिचुएशन बनल बा तो सिर्फ तो हर वजह से ही से खाली तो हर भाई ना हमार फैमिली हमार परिवार सब हमार बीवी और हमार बच्चा फिर तो आपके खुद के भी वही कटघरा में खड़ा करे चाहे जहाँ आप इनके लाके खड़ा कर देला काहे कि आप भी केहू आपन के सच ना देख पा रहल बानी का मतलब है तोहर कैसन सच बड़ा आसानी से आप इन पे इल्जाम लगा देला ना कि अपन भाई के सच ना देख पाए ले बहुत भरोसा करे ले ना आप अपन बीवी पे आप भी तो मिताली भाभी के सच ना देख पा रहल बानी आपन गलती छिपावे खातिर क्यों और पे इल्जाम लगाई बहुत आसान हो खेला खुद के उही सीसा में देखब बहुत मुश्किल हा का बा हमार बीवी के सच्चाई तू कहल का चाहत बाड़ू जॉनी सिग्नेचर्स के वजह से आप जेल गए रहला वो झूठ बोल के मिताली भाभी करवले रहनी आपसे अब बोल रहा बानी ना कि आपकी अंधेरा में रखल गई सच ई है राज भैया कि सच्चा बा के झूठा ई केहू की चेहरा पे ना लिखल हो और जैसे आप कर रहल बानी की गुनहगार बानी तो गुनहगार आप भी बानी ना आप भी तो अपन बीवी के सच ना देख पैला इनफैक्ट आप तो इनसे बड़ गुनहगार बानी काहे कि एक वो अच्छा इंसान की पहचान ओकरे बुरा वक्त में होखेला राज भैया बुरा वक्त में भी वो इंसान अपन परछाई ना छोड़त अपन संस्कार ना छोड़त लेकिन आप तो इंसानियत ही छोड़ देला आपकी जरा सा भी एहसास है कि आपकी बदला की भावना की वजह से ये परिवार के कितना मुश्किल से गुजरे पड़ल धोखा दे लू तू पेपर्स पे हमार नकली साइन ले लू तू भी धोखा दे लू धोखा दे लू हमरा नाराज राज हमके माफ कर दे प्लीज हमके माफ कर दे हम तारे के कोनो धोखा ना देनी ओ वक्त हम पैसा के ला राज लेकिन लेकिन अभी हम बदल गई बानी जेल तू गई ला लेकिन सजा हम के मिलल राज हम बहुत सजा भुगत चुकल बानी तारा जेल गई ला के बाद हम बदल गई नी हम सच में बदल गई नी हम तारा के धोखा ना देनी प्रज्ञा बोली ना दादी बोली ना इनके राज हमके माफ कर दे
प्लीज प्लीज हमके माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ गलती हो गई हमसे। लेकिन अब हमके कुछ न चाहिए तेरे सिवा राज, हमके कुछ न चाहिए तेरे सिवा, सिर्फ तू चाहिए और कुछ न चाहिए, हम बहुत भुगत लेनी, हमके माफ कर दे प्लीज, प्लीज हमके माफ कर दे, प्लीज हमके माफ कर दे। पुलिस बुलवाई बा, एगो केस बनवाई बा, कहे कि हमके हमरा फांसी फांसी ही होके हमरा के जिए के नहीं, इस दुनिया में लोगन के बीच ऐसा लोगन के बीच में जिए के नहीं है, करना हमरा खातिर प्लीज हमारी एगो आखिरी इच्छा पूरी कर, हमारे एक एक ख्वाहिश पूरी कर बतू, एगो आखिरी ख्वाहिश, हम नहीं खी जेल जाते लोग के बीच में, हमरा मारे के बाद इस साथ में हमके नहीं रखे कभी, प्लीज हमारे को ख्वाहिश तो पूरा कर दा, मारे के बाद राज भैया ना भाई नहीं की हम क्या होके, भाई नहीं की हम क्या होके, ना क्या होके ना ना क्या होके बेटा बानी, नहीं क्या होके पति बानी और ना क्या होके बाप बानी, ना हम वो नहीं हैं ना खुनी बानी, ना राज तू खुनी ना बड़ा खुनी बानी, राज खुनी बानी, राज खुनी बानी, हम राज राज, राज, राज सुनो ना हमार बात, अरे राज सुना सुना तू राज बेटा सुना, ये से काहे हो गए ले, का कहले हो कि अभी इनके, ओ माय गॉड सब ठीक होके, हम कैसे ना करे के चाहत रहे, हमके कम से कम राज भैया की तो मिताली भाभी की सच ना बतावे चाहत रहे, हमरे वजह से कहीं उदुनु के रिश्ता खत्म ना हो जाओ। दी आप ऐसा कहे सोच रहल बानी, दी आप जौन कहनी बिल्कुल ठीक कहनी, राज भैया पता ना गुस्सा में आके कैसन कदम उठौलन, दी एकर सजा तो उनके मिले के ही चाहिए, उनके वजह से हमने की बुलबुल हमने की बीच में नहीं खी, दी उनके उनकर कैले के सजा जरूर मिले के चाहिए, और हमके लगा था ऐसे बड़ा सजा उनके ना मिल सकेला, उनकर वजह से हमार हमार प्यार अलग हो गई, और आज उनकर फैमिली खुद ही डूबे पर आ गई बा, ती अब ये सब जन हो रहा बा, ये एक ना एक दिन तो होके के ही रहे, ती एकरा खातिर आप अपना आपके ब्लेम काहे कर रहल बानी। हम ई ना कह रहल बानी पूरब की उनकर उनके कैले के सजा ना मिले के चाही, लेकिन तू ही ना समझ पा रहल बाड़ के उनकर एगो परिवार है, दुगो बच्चा बाड़े उनके, अगर माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए तो बच्चन पे क्या असर पड़ी, बेवजह जे मिताली भाभी बोलनी ओकर सजा वो दोनों बेचारे बच्चन के मिली। लेकिन दी पूरब प्रज्ञा सही कह रही थी, हमनी के मकसद अभी के दुश्मनन के बेनकाब करब है, सजा देव हमनी के काम ना है, दो मकसद में तो हमनी के कामयाबी मिली गई बा, अब एक मकसद हमनी के सामने है, वो बात तनु के सच्चाई सामने लाई, हमार मन तो कर रहल बिया कि तनु के आज कहानी खत्म कर दे, तू लोग जौने रास्ता पे एके पकड़े गल रहला वो रास्ता पे तक केहू और ही मिल गए, जितना आसान राज के पकड़ब रहे तनु के पकड़ब उतने मुश्किल हो गए बा, अब करी तो का करी, हमके समझ में ना रहल दादी, अच तनु की जौन जगह आवे चाहत रहे वो वहां काहे ना आई, दीव एक खातिर ना आईली कि काहे कि हमनी के बात के हल्का में लेत रहली, दियो के लग रहा बा कि आप मजाक कर रहल बानी और आप सबके जाने ली, ती आपके ओके यकीन दिलाए हो कि आपके एक्चुअली मालूम बा कि ओकर बच्चा के बाप बा के, लेकिन कब तक पूरब हम कब तक ओके झूठ बोल बोल के डेरावत रह, देखो अगर हमार एक धमकी के असर ना भयल ऊपर तो अगला धमकी के भी ना होखी, पता नहीं ये सब हमने कैसे कर पाई, दी अब सिर्फ बात ना होखी,
अब तनु के पास सबूत पहुंची। सबूत? कैसन सबूत? दी आपके याद बा आप हमके बतौले रहनी कि वो दिन तनु के साथ वो दिन गाड़ी में वो आदमी भी रहे। ओकरा बाद हम तनु के गाड़ी के तलाशी ले ले रहनी और हमके कुछ चीज मिलल रहे। एंड आई एम डैम श्योर कि वो आदमी के है। दी अगर वही चीज लेके आप तनु के पास जाए तो आप ओके यकीन दिला सके नहीं कि आप एक्चुअली में वो बंदा के जाने लो जे ओकर बच्चा के बाप बा। हमार साथे ऊ कहले जोन एगो इंसान अपन दुश्मन के साथ भी ना करेला। अरे केहू भाई कह देला से भाई ना हो जाला, दिल से माने पड़ेला, ओकरा रिश्ता निभावे पड़ेला। अब तो सच सामने आ ही गई बा, हम एगो सच और बता दें। दुनिया में सबसे ज्यादा तोरा से नफरत करेनी हम। अगर आज इस सिचुएशन में बानी तो सिर्फ और तोरा और तोहर गलती के वजह से। तू इस परिवार के बनौला नहीं कही, इस परिवार के उजाड़ देले बड़ा। बानी ना बैठा, बैठ जाओ। आप हमसे अपन फीलिंग्स शेयर कर सकेले। काहे हमरा साथे ऐसन होत बा? काहे हमारी ही फैमिली हमार दुश्मन बना दिया? कहा बिगड़ले बानी हम ही लोग के? काहे ये लोग हमके इतना बुरा समझे ले? का हम सच में इतना बुरा बानी? ना आप बुरा ना बानी, बुरा ऊ बाड़े जी आपके ना समझ पावेले। कमी आप में ना कमी ऊ लोगन में बात जी आपकी अच्छाई ना देख पावेले। कहीं ना कहीं सच तो यही बाना कि आप खुद ना जाने ले कि आप कितना अच्छा बानी। ये घर की ये परिवार के आपसे अच्छा बेटा, आपसे अच्छा भाई हरगिज ना मिल सकता। आप काहे जी कुछ भी राज भैया कहले आपसे, आप ओकरे बारे में काहे सोच रहल बानी? आप ऊ देखना जी कुछ आप अपन ही परिवार ला कहले बानी? आप उनका नफरत देख रहल बानी? आप इना देख रहल बानी कि बाकी सब कितना प्यार करेले आपसे? तू पुलिस के बुला सकेलू? जेकरा तू पकड़े चाहत रहलू ऊ तोहरा मिल गेल ना? अब तोहर मकसद तबे पूरा होखे। जब तोहार गुनाहगार के सजा मिली तब तू पुलिस के बुला के उनकरा के सजा दिलवा था। ओकर कौनो जरूरत ना पड़ी। राज भैया की जे सजा मिले के रहे वो मिल चुकल बा। इम्पोर्टेंट ई बा की सच सबके सामने आ जावे, और केहू चाहे या ना चाहे सच सामने आ ही जाला। राज, राज बैठा तू यहाँ पे, बैठा प्लीज। तू चुप काहे बड़ा? राज बोला ना, हमसे बात करा। राज राज देखा हम मानत बनी, हमसे बहुत बड़ गलती भइल बा, लेकिन तू ओकराला हमके माफ कर देना, हमके सजा दे दे ओकराला। लेकिन भगवान खातिर कुछ बोला तो हर चुप्पी हमार जान ले रहल बा, समझ रहल बड़ा तू? कुछ बोला तो प्लीज, प्लीज कुछ बोल दे। चाहता हमके डांटा, हम पे गुस्सा करा, हमके मारला ना प्लीज, लेकिन बोला कुछ। का करिए? पानी पीबा तू? हम पानी लेके आवा तानी तारा ला, पानी देता नहीं। राज पानी पी ला। राज प्लीज कुछ बोल दे, आपन चुप्पी तोड़ दे राज। अच्छा हमार तरफ देखा, हमसे बात करा राज। हम मिताली बानी, तू जाने ला हम तारा से कितना प्यार करी ले। कुछ बोला ना राज प्लीज। हम खूनी बानी, हम खूनी बानी,
कोनी ना बड़ा राज, तू कोनी ना बड़ा। देखा जे कुछ भी भइल बना ओकर जिम्मेदार तू ना बड़ा, हम बानी। तू तो बहुत अच्छा बड़ा, तू तो कबो केहू के बुरा ना कर सक, बुरा हम बानी। हम लालच में आके ही सब कैले रहनी, तू कुछ ना कैले बड़ा। हमसे गलती भइल बा, हमके माफ कर दा प्लीज राज, हमके माफ कर दा, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। अरे दरवाजा बंद है राज, राज बेटा कुछ बोला था? अरे दरवाजा तो खोला मिताली, अरे क्यों सुन रहा बा हमके? यहाँ तो कुछ अलग ड्रामा चलत बा, दरवाजा खुली तभी कुछ समझ में आई। अरे राज बेटा दरवाजा तो खोला, अरे का हो गई, अरे बतावा था का बात बा? हे भगवान का करी, कैसे खोली दरवाजा, का बोला भामी लोगन से? अगर इनके पता चल गई कि हम राज के साथ का कहले रहनी तो पता नहीं हमरे साथ का करिए। जी आप ठीक बाड़ू? जी हम ठीक बानी। ठीक तो ना बाड़ू, अगर ठीक हो तो आँख में इतना आंसू ना आवते। कबो कबो मन भरल होके ना तो केहू अजनबी के सामने भी दिल खोल देवे के चाहे। वैसे हम सरला मुंबई से आयल बानी बाबा जी के दर्शन करे गोल्डन टेम्पल में। आपके मन में ना अगर कौनो बात है तो आप हमके बता सके नी। जिंदगी के किताब के जे पन्ना हम बंद कर देले रहनी फिर से खुल गई। हमार अतीत के वो हिस्सा जेके हम दफन कर देले रहनी अचानक से हमार सामने आके खड़ा हो गई, और ना चाह के भी हमार परिवार बिखरत बा। हमार जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमरा से दूर होत नजर आ रहल बा। कि जिंदगी में आपके सबसे कीमती चीज आपके परिवार और उसे भी कीमती आपके बेटी। आप ये सोच रहे हो ना कि हमके कैसे पता चलल कि आपके सबसे कीमती चीज आपके बेटी है? माँ बानी ना दूसरा माँ के दिल समझ ले। आपके तब बता ही बा बाबा जी माँ के बनबले ही ऐसन बानी, आपन बच्चियन खातिर इतना सारा प्यार भरल होखेला, और हमार भी दूगो बेटी रानी रहले। अब कहाँ बानी? एके तब बाबा जी अपना साथ ही ले गए, और दूसरा के हम अपना से दूर कर देनी। बच्ची तब ऐसे भी बाबा जी के आशीर्वाद होखेली, घर में आवेनी तो इतना खुशी लावेनी। आप अपन बच्ची के अपना से दूर मत करिया, हम ना चाहिले एगो माँ अपन बच्ची से दूर हो जा। आप हमसे वादा करी, आप अपन बच्ची से फोन करके बात करी है, और जितना भी गिला शिकवा है ना सब दूर कर ली है। चला खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे चला, अरे खड़ा हो जाओ, चली ओके फोन लगाई और उससे बात कर ली। वो हमरा से बहुत नाराज बानी, बात ना करी हमरा से। आपके बेटी हऊ, आप फोन करबू ना तो वो फोन उठा ले, कब तक नाराज रही? और आपके दिल की आवाज ओकरे तक पहुंच जाई। हमार दिल कहत बा वैसे भी फोन कैला से हो सकेला सब गिला सिकवा दूर हो जाए। कम से कम एक माँ के तो ओकर बच्ची मिल जाए। चला बहन जी आप फोन जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके ना हमार दिल के बोझ हल्का हो गए। सच कहले कि कभी कभी अजनबी भी अपन से ज्यादा अपन लगे ले। ध्यान रखिया जी।
आई एम सॉरी माँ, हमके पता बा कि हमारी चुप्पी आपके बहुत तकलीफ दे रहल बा, लेकिन हमके थोड़ा टाइम लगी। आप भले ही अपन पति के माफ कर देले होगी, लेकिन हमके अपन पापा के माफ करेला थोड़ा टाइम चाहिए। राज तू चिंता मत कर, हम सब संभाले भा। कहाँ भाई राज के? हाँ राज, ऐसे कहाँ चलत रहे और हम इतना आवाज देते रहनी, वो सुन लग भी ना। अभी राज के ए तरह से कहाँ ले गए? माजी के कमरा में का बात भैला? कुछ ना, कुछ भी था ना, वो राज बस थकल बानी ना और कुछ ना, शायद एहिला आप लोगन के ऐसा लग रहा बा। पहले तो कबो ऐसा ना भाई, हमके जाके देखे थे, तू हटा यहाँ से। ना मम्मी जी, हम कह रहा बानी ना कि कुछ ना भइल बा, वो बस थक गल बानी तो सूत जाइए, हमार मतलब सूत गए, आप उनके खामखा डिस्टर्ब मत करो ना। अरे मिताली, हमनी कौनो डिस्टर्ब ना कर रहल बानी, वो तो अभी जौने तरह से पकड़ के लेके गए रहे, देख के हमनी के फिकर हो रहल बा। उहे पता करे हमनी आयल बानी और कहा, दासी कुछ भी तो ना हो रहल बा, तो आप लोग हमार मतलब हम रहनी ना वहाँ भी रूम में अभी भी रहल, दादी सब लोग रहल, अभी कुछ ना कहलक इनके, कुछ भी ना। हाँ तो ठीक बना, हम ओकर तबीयत ही पूछ लेत बानी, तू हट हमके जाए दा। हम कहनी ना मम्मी जी कि उनके कुछ ना भइल बा, आराम कर रहल बानी, तो फिर काहे हमके तो कुछ गड़बड़ लग रहल बा, तू हमके जाके देखे दा अंदर का भइल बा। कौनो गड़बड़ ना, हम कह रहल बानी ना कि उस सूत रहल बानी, हाथ जोड़त बानी आपके, आप लोग यहाँ से चल जाई, बात के और आगे मत बढ़ाई। अरे बात के तो तू बड़ा रहल बाड़ू, हमने तो सिर्फ अपन बेटा के देखल जाता नहीं एक नजर। मिताली जरूर तू हमनी से कुछ छुपा रहल बाड़ू। इतना परेशान होके वाला कौनो बात ना हो, कौनो ऐसन वैसन बात ना भइल बा, बस इनके और राज भैया के बीच में काम के लेके कुछ कहा सुनी हो गइल बा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहे जे अब दूर हो गए। हमके लागता हम सबके राज भैया के कुछ दिल अकेला छोड़ देवे चाहिए। ई तो हमनी के जाने निकाल देलक, इतना से बात के इतना बड़ बतंगड़ बना देलक, पहले ना बता सकत रहे, हमार तो बीपी हाई हो गए। चला जी, इतना छोट बात ना हो सके ले, जरूर कोनो गड़बड़ बा, लेकिन ये प्रज्ञा झूठ का है बोलत बिया। का बात है बेटा, सूत लाना, अभी नींद ना आवत बता दे। इधर आवा, बैठा हमरे पास, हम तार सर दबा देता नी, सर हल्का हो जाई तो नींद आ जाई। आजा बेटा, आजा हमार बच्चा। दादी हमें को बात पूछी आपसे, का सच में कमी हमरा अंदर ही बाका, का हम लोग के सच ना देख पावेली? अगर हम राज भैया के बात पे यकीन करके उनका साथ देले होती तो शायद आज उनके तो उनके ये सब ना करे के पड़त। ना बेटा ना, कौनो भी इंसान के पूरा तरह से ना समझ सकेला बेटा, ये कौनो इंसान के कमी ना, भगवान सोच समझ के दायरा रखले बानी, इंसान चाह के भी वो दायरा के पार ना कर सकत बेटा। तू ज्यादा मत सोचा, काहे कि तू कौनो गलती ना कैले बड़ा बेटा, कौनो गलती ना कैला। काहे ना सोची दादी, धीरे धीरे हमार परिवार छोट हो जात बा दादी, पहले आलिया अब राज भैया, कल के केहू और हमार दुश्मन बन जाए। अपनन खातिर इतना जिम्मेदारी कैसे पूरा कर पाई अगर सब हमार दुश्मन बन जाइए दादी? राज भैया सही कहे ले, कमी हमरा में ही बा।
फिरू है बात हम कहनी ना तहरा में कौनो कमी ना बेटा तहरा में कौनो कमी ना अब कब केकर नियत बदल जाओ ई त जानब मुश्किल बाना इंसान खुद अपना आप के ना पहचान सकेला अपना आप के ना समझ सकत तो फिर दूसरा के कैसे समझाई कैसे जानी अब ऐसे में केहू का सोचेला का करेला ओकरे बारे में सोच सोच के अपन मन छोट मत कर बेटा बस एक बात बा तू हमेशा सच्चाई के रास्ता पे चलत रहला ना हो बस तू सिर्फ उहे कर सच्चाई के रास्ता पे चलत रह बेटा केहू के बारे में कुछ मत सोचा कोई का करेला कोई का सोचेला तू बस इतना सोचा कि सही वक्त पे सच्चाई तरे सामने आ गल बेटा अब बस एक के काम रह गई बता दी हमके जल्द से जल्द तनु से शादी करे के पड़ी हमके लागत बा हम ओकरा साथे ठीक नहीं की करत दादी पता बा दादी हम सरला आंटी से भी बात कर लेले बानी बहुत अच्छा बिया वो हमार खुशी खातिर वो तुरंत हाँ कर देली अब बस हमके आपके आशीर्वाद चाहिए दादी हम ही घर में खुशी लावे चाहत बानी अब हमके लागत बा के हमरा बच्चा के आवे से शायद ही घर में कोनो खुशी आ जाए हम डिसाइड कर ले बानी के हम एक दो दिन के अंदर ही तनु से शादी कर ले वो भी कोर्ट में जाके केहू के ना बताए एक बार शादी हो जाए ओकरा बात सबके माने की ही पड़ी ना प्रज्ञा की भी दादी आप हमरा साथे कोर्ट चलब ना हाँ दादी दादी एक बार वो लोरी सुनाई ना जे आप हमके बचपन में सुनावत रहली बहुत मन करता ओकरा सुने के कितना वक्त हो गई बा ओकरा सुने शायद ओकरा सुन ली तो हमरा दिल के सुकून मिले सुनावत बानी बेटा सुनावत बानी रब मेरी उम्र तेनु ला देवे मैनु तेरी आई वे मला आ जावे लाल री जग जग जीवे तू भाभी हम आपके दर्द समझी ले का कहलू तू हमार दर्द समझ सकेलू ना प्रज्ञा हमके तहरे हमदर्दी के कौनो जरूरत ना आपन हमदर्दी अपने पास रखा जितना उहां कमरा में तू राज के सुनवलू ना ओकरे बाद हमके तहरा से कुछ ना सुने के आपकी गुस्सा जाए छा लेकिन हम वाकई कुछ भी जानबूझ के ना कहनी राज भैया इनके इतना बात सुनावत रहले सारा इल्जाम इन पे लगावत रहले तो वो वक्त बिना सोचले समझे हम सारा सच उनसे कह देंगे यकीन वो वक्त हमके ये सही लगा कितना झूठ बोल रहे बड़ू तू हाँ हमके पता बा कि सब कुछ तू जानबूझ के कहिलू वहाँ कमरा में सब लोग जान गए रहले ना पोल खुल गए राज के कि ये वो इंसान है जे इतना दिन से आलिया के मदद करत रहे तब फिर हमार सच राज के बतावे के का जरूरत रहे तारा के राज भैया के सच सामने आ गई पर कैसे अब तक की बात हम उनसे छुपा के रख ले रहनी हम चाहत रहनी कि राज के कबो पता ना चले हमके पता रहेगी राज के जबी बात पता चली तो वो टूट जाइए अपना आपके संभाल ना पहियो और प्रज्ञा हम अपन गलती के सजा भोगा चुकल बानी ना इतना दिन तक राज जेल में रह ले इस सजा का हमरा ला कम रहे बोला हम सोचत रहनी कि राज अब जेल से वापस आ गई बानी उनके साथ जिंदगी के एगो नया शुरुआत करब
कौनो डिमांड ना रखब उनके सामने, उनके इतना प्यार देव कि उस जेल में बितावल अपन सारा सारा गम भूल जाइए। लेकिन तू तारा के हमार खुशी अच्छा ना लगा ना, एक झटका में सब कुछ खत्म कर दे सब कुछ। हम आपके सच उनके नाम बतावे चाहत रहनी, लेकिन भाभी हम मत कहा हमके भाभी, हम तहार भाभी ना बनी। पता बना तहरा की हम तहरे तरह बने चाहत रहनी, दिल से इज्जत करत रहनी तहार, लेकिन अब दिल से नफरत करब तहरा के। ई घर के बॉस बने लू ना तू, घर में बहुत चाहे ले ना सब लोग तारा के, लेकिन हम एगो पत्नी बनी प्रज्ञा, पत्नी। और पत्नी के सामने ओकरे पति के केहू भी बुराई करे ना, या केहू भी ओकरे पति के साथ बुरा करे ना, तो पत्नी बर्दाश्त ना कर सकेले, हम भी बर्दाश्त ना करब। राज सिर्फ हमार पति ना बनी, हमार प्यार बनी, हमार खुशी बनी। हमके जिंदगी में भले पैसा ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन राज हम राज के ना खो सके नी। अगर तहरे वजह से हमार खुशी छिनल ना, तो हम तहरा के एक एक खुशी ला तरसा दे प्रज्ञा, चैन से बैठे ना दे, बर्बाद कई के रख दे तहरा के। चल अच्छा बा, एकर एक दुश्मन गई तो दूसर अपने आप बन गई। राज भैया के हम अपना हिसाब से तो यूज ना कर पाई थी, लेकिन मिताली भाभी के तो हम अपना हिसाब से चला ही ले। प्रज्ञा के खिलाफ ये हमार काम आए, लेकिन राज भैया पकड़ल कैसे गई ले? हमके कुछ समझ ही ना रहल कि घर में होकर रहल बा। अभी इतना अच्छा इंसान है, केहू ओके धोखा कैसे दे सकेला? अपन घर वालन खातिर का कैले बाई ये हम जानी ले, तो कैसे कानो घर वाला ओके धोखा दे सकेला? का हो का कहिल बा? लालच, पैसा के लालच ना इंसान से कुछ भी करा देवेला। जब राज भैया जैसन सच्चा और ईमानदार आदमी पैसा खातिर इतना कुछ कर सकेला, तब केहू और से हमने का उम्मीद कर सकेला? माँ भरोसा जैसन चीज तब बस खाली कहे और सुने खातिर रह गई बा। हमने करी भी तो का करी, जौन कुछ हो रहा बा ओके बदल थोड़े ना सकेला माँ। बदल तो ना सकेनी, लेकिन कम से कम एकरे बारे में सोच तो सकेनी ना। साफ साफ दिख रहा बाकी अभी के हमेशा करीबी लोग ही धोखा दे ले हा। पहले ओकर उपपत्नी प्रज्ञा, फिर ओकर बहन आलिया, फिर बड़ा भाई राज। वैसे भी जे दिल के बहुत करीब होखेला ना, धोखा हमेशा उहे देवेला। काहे कि हमने अंधा हो जाए ना ओकर प्यार में, हमने के कुछ दिखेला ही ना, ना दिमाग काम करेला ना आँख। और फिर हम ओके मौका दे देले कि वो हमके चोट पहुँचावे, इतना चोट पहुँचावे, इतना चोट पहुँचावे कि उहे भइल हा अभी के साथ। तू तो ओकर दोस्त बाड़ा ना, ओकर अच्छा चाहत बाड़ा। जी माँ, पर आप ऐसन बात काहे बोल रहल बाड़ू? ऐसे कि हम चाहत बानी कि तू ओकर शादी जल्द से जल्द तनु से करा दे। माँ आपके पता बा आप का बोल रहल बानी, अभी के शादी तनु से? हाँ, हमके पता बा हम का बोल रहल बानी, और काहे ना कर लेवे तनु से शादी। कितना अकेला पड़ गई बाऊ, केहू ना बाऊ के साथे, ना बहन, ना पत्नी, ना भाई। तका तू ये समझ ना सकेला कि ओके एगो साथी की जरूरत है। माँ अगर अभी तनु से शादी कर ले लस तब आपके बुरा ना लगी? हमके बिल्कुल बुरा ना लगी, और हम तो शादी खातिर अपन इजाजत भी दे देले बानी। इजाजत? हाँ। माँ आप अभी से बारे में बात भी कर लेनी? वो हमके बाजार में मिलल रहे, तनु के साथ रहे, और वो हमसे इजाजत मांगलस, तो हम हाँ कह देनी। और काहे ना कही हम, ओकरा जे भी हालत है ओकरा खातिर हम भी जिम्मेदार बानी। हम अपन बेटी की शादी उसे करवेले रहनी। लेकिन माँ अभी तो प्रज्ञा दी से प्यार। लेकिन प्रज्ञा अभी से प्यार ना करेली। प्रज्ञा सिर्फ अभी के पैसा से प्यार करेली, वो कभो अभी से प्यार कैलक ही ना। और अभी वो प्रज्ञा से प्यार करेला कई? अरे इतना धोखा कैला के बाद तक कम से कम ओके सच्चा प्यार मिल रहल बा। अगर वो तनु से शादी कर ली तो ओकर जिंदगी सुधर जाए, ओके एगो अच्छा पत्नी मिल जाए। और तू एगो दोस्त होके ही ना चाहता का कि ओकर जिंदगी में सुख आवे, ओकर जिंदगी में केहू ऐसा आवे जेकरे साथ वो अपन खुशी बांट सके, अपन दुख बांट सके। हमरे खातिर, अपन दोस्ती के खातिर तू
तू अभी की शादी तनु से जल्द करा दो। डिसाइड के लिए बढ़ू तू मतलब अब तक तहार मकसद भी पूरा हो गेल बा तोहरा वो आदमी मिल गेल जे आलिया के मदद के लिए रह ले तब का डिसाइड कैलू तू का करे के बा का डिसाइड का बोल रहल बानी हमरे कुछ समझ में ना आ रहल तू अच्छा तरह से जानता रहू कि हम कोना बारे में बात करता नहीं तू कहले रहलू कि जब तोहरा वो आदमी मिल जाए तो हमारा सारा पैसा वापस कर देबू और पहले जैसन फुग्गी पहले जी से बने की जरूरत नहीं थी बस तू हमार सब कुछ हमके वापस देता काहे अगर वादा पूरा ही करे के बाद पूरा तरह से कर आधा काहे आपके अपन सब कुछ लौटा दे और अगर हम पहले वाला प्रज्ञा बन गई नहीं तब का आप हमके अपना ले हैं ऐसा सवाल मत करना जेकर कोनो जवाब नहीं के तू जाने लो ये पॉसिबल नहीं के हम डिसाइड कर ले बानी हम तनु से शादी करबो और हम बदल ना सकेली ठीक बा जब इतना इंतजार कर ले बाड़ तो थोड़ा और इंतजार कर लो ओकरी बाद हम आपकी सब कुछ आपके लौटा दे झूठ बोला तारू तू हमार पैसा वापस देवे नहीं के चाहती खातिर बहाना बनावा तारू ना तू हम सच बोल रहल बानी की झूठ इत वक्त अला पे ही पता चली हमार एक मकसद अभी भी बाकी है जॉनी के बारे में हम आपके बता ना सकब और पूरा हो जाए तो आपके सब कुछ आपके वापस मिल जाए कौन मकसद के बारे में बात करता रहो अगर कोनो मकसद होगी तबे तो ओकरा बारे में बोलबू ना तू जैसन कि हम आपसे कहनी आप यकीन करे चाहे ना करा हमार मकसद अभी पूरा ना भइल बा जब पूरा हो जाए तो आपके आपके पता चल जाए इससे ज्यादा हम आपके कुछ ना बता सकब दिया बोलो ले रानी हाँ रानी हमारे को काम करबा प्लीज हाँ बोली ना ये पार्सल तनु के देवे के बा और के पता ना चले के चाहिए की के भेज ले बा बस इतना सा काम अरे अभी देख के आओ तनी दी सुनी आई नो तार सारा बात तो बकवास हो खेला और हमरा पास ओकरला टाइम ना तबो बताओ का बात है हमार तो सारा बात काम के हो खेले लेकिन आप में कुछ ऐसे बात बा जिकरा देखला के बाद में जो इम्पोर्टेंट बात बना वो बेकार हो जाले हमार टाइम वेस्ट मत करो हमरो पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम आपके टाइम वेस्ट करी हम तो बस बतावे लेने कि आपके जो राज बना वो सबके पता चल चुका बा कौन से राज आप कल किसे मिले तो रानी तो से मतलब हो सकेला कि आज हमसे कोनो मतलब ना होके लेकिन आगे चल के हो जाए अपनी बकवास बंद करो देखनी हमार बकवास भी कितना काम की चीज निकलल आपके माथा पे पसीना आ गेल जैसे कोनो चोर के रंगे हाथ पकड़े पे आवेला का तू पागल तो ना हो गेलो तो फिर आपे बताई ना कि जोन पैकेट बा ई आपके के देले होखी आपके पता बा कल आप जे इंसान के साथ बात करत रहनी ना ओकर चेहरा ठीक से देख तो ना पोनी लेकिन दूर से देखनी तो समझिए गेल रहनी कि हो ना हो इंसान आपके लीडर जरूर बा तू अपन बॉस के साथ रह के ऐसन हो गयला है या पैदे जोकर होला ई पार्सल देवे खातिर तू कहानी बनावत रहला कहानी हो सकता लेकिन झूठी ना अपनी बकवास बंद करो वरना दोबारा अगर देखली ना कि हमार पीछा करत रहला तब पुलिस के हवाले कर देब और झूठा कंप्लेन लिखवा देब कि तू हमके छेड़त रहला फिर पुलिस स्टेशन में बैठ के ना अपनी कहानी बनाइए ये सब तो आपस के बाद बा बाद में हो जाए फिलहाल तो ये जोन पैकेट बा एकरा खोल के देखी लेकिन यहाँ ना अपन रूम में जाके कहे कि हो सकेला एकरे पैकेट में कौन अंदर बम होके और वो अचानक फट गए तो ओकर लपेट में सिर्फ और सिर्फ तू आवा केहू और ना सो टेक केयर बाय पैदा ही जोकर भइल बा इडियट लेकिन ये पार्सल हमके भेजलक के बिल्कुल ठीक कहलक रोनी
बम तो फटी लेकिन सिर्फ तनु पे।